नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, क्या होगा? अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, वैसे जून में अभी पहले 10 दिन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाले हैं। आगे के इन 20 दिनों में कितना पैसा आएगा, कब आएगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या शुभ दिन रहेगा, कौन सा है शुभ वार, आपके लिए सप्ताह कौन सा अच्छा है, ये सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को भी प्राप्त होगा, क्योंकि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है। इसमें किंतु परंतु और दो मत वाली बात नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विशेष रूप से कितना पैसा आएगा, तो यहाँ आपसे कहेंगे कि पैसा कम आएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, और इसका विशेष कारण है कि जो ग्रहों की स्थिति है वो उतनी अनुकूल नहीं है। एक तो आपकी राशि के स्वामी स्वयं नीच के हैं, दूसरा ग्रहों की चाल उस हिसाब से अच्छी नहीं है। बुध ग्रह प्रोटेक्ट कर रहा है, सूर्य डाउन रहेगा, और देवगुरु बृहस्पति राहु ये सब भी डाउन है, छठे भाव में बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इस कुंडली के अंदर। तो फिर दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में परेशानियाँ, चुनौतियाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी धन से रिलेटेड काम करना है, लेन देन करने हैं, कुछ भी ऐसा, तो आपके लिए विशेष समय रहेगा। सेकंड पॉइंट में जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, 7 से लेकर के और 22 जून इस टाइम पीरियड में, जहाँ आप दो नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ पर बुध ग्रह का गोचर होगा, और बुध के पास लाभ की जिम्मेदारी है, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है इस घर के मालिक हैं। यहाँ के स्वामी होकर के जब ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो ही आपको दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग, लाभ की स्थिति को बढ़ावा मिलना, ऐसी सब परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की, कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या कहता है। देखिए, हर महीने कुछ ऐसे पर्टिकुलर मुहूर्त बनते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और उन्नति वर्धक रहते हैं, जैसे सवार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। इन योगों में कार्य करना बहुत अच्छा होता है। अमृत सिद्धि योग में अमृत की वर्षा होती है, सवार सिद्धि योग में बहुत अच्छे नए नए कार्य करना, आभूषण खरीदना, किसी चीज़ की नींव रखना, ये सब चीज़ें भी अच्छा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास दिनांक 11 तारीख को ये सवार सिद्धि योग बनेगा, फिर 13 तारीख को ये सवार सिद्धि योग बनेगा, फिर 17 तारीख को सवार सिद्धि योग बनेगा, 25 तारीख को ये सवार्थ सिद्धि योग बनेगा, फिर 30 तारीख को ये योग बनेगा। यानी कि आपके पास 5 ऐसी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिनमें ये योग आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अमृत सिद्धि योग की। अमृत सिद्धि योग में अमृत की वर्षा होती है, ये भी बड़ा अच्छा होता है। एक प्रकार से आपकी पत्रिका को पावर मिलती है इस योग से, आपको आपका साहस बढ़ता है इस योग से, आप कुछ भी इस योग में काम करेंगे तो विशेष सफलता मिलती है। और ये दो ही दिन बन रहा है, एक तो 13 तारीख को है और उसके बाद है 17 तारीख को। अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट जो कि चौथा रहेगा उसके बारे में बात करूंगा कि आखिर शुभ दिन आपके लिए वार के रूप में कौन सा रहेगा। तो ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए गुरुवार का दिन और सोमवार का दिन। ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। इन दो दिनों में आपके कार्य की विशेष रूप से सफलता आपको मिलेगी, ग्रहों का आशीष शुभ रूप में आपको प्रदान होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यानी कि गुरुवार और सोमवार में आप कोई यात्रा या किसी विशेष कार्य के लिए निकल सकते हैं या कोई मीटिंग कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुभ सप्ताह, वो कौन सा आपके लिए रहेगा, ये जानना भी तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, 15 से लेकर के और 21 तारीख तक का जो कालखंड रहेगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, उन्नति वर्धक दिखाई देता है। तो इस बीच में आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, और इसमें अमृत सिद्धि योग भी आ रहा है 17 को, और सवार सिद्धि योग भी आ रहा है 17 को, और 15 से 21 का समय भी आपके लिए अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप बेझिझक होकर कार्य करिए, ग्रहों का शुभ फल आशीष पूर्णतः आपके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, आप खूब उन्नति करें, आगे बढ़ें। आपको बताना चाहता हूं कि मैं मुंबई में अवेलेबल रहूंगा
दिनांक 12, 13 और 14 तारीख को। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।